आप देख रहे हैं गेस्ट ऑफ द डे और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। कि आपको जो है वो नाश्ते में क्या पसंद है और ये सारी जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये आपका टेस्ट है? नाश्ते में तो मैं छोले सादा, इसके साथ एक और चीज़ जो है पीनट बटर, शायद इधर रिवाज नहीं है। डॉक्टर इस तस्वीर के हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा। ये मेरे वालिद साहब ये आने में दीन थे और मट्ठा ये अपर स्वात का जो कैपिटल है उसके ये पहले स्कूल टीचर थे। इस वक्त यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की कुल स्ट्रेंथ कितनी है? इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट का तादाद 15,000 है। यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये कितना खुश आइन दिन है? ये जो बिल्डिंग है ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का बिल्डिंग है। ओके। और ये इस वक्त मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है। तो लाइब्रेरी की क्या अहमियत होती है यूनिवर्सिटी के अंदर? लाइब्रेरी ये आप यूँ समझे कि यूनिवर्सिटी में दिल का मुकाम रखते हैं। एज अ वाइस चांसलर आपने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो उस वक्त आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी उन दिनों में ये क्राइसिस में उस वक्त पाकिस्तान में नंबर एक पर थी। डॉक्टर साहब एकदम से सियासी मंजरनामा जो है वो चेंज हो गया तो उसका जो इम्पेक्ट है वो यूनिवर्सिटी पे किस कदर हुआ? अमेरिका आता है क्या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को बताता है कि आप लोग अच्छी तालीम ना दें, जब आप डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर आपने किसी न किसी को प्रॉब्लम करना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं गेस्ट ऑफ़ द डे और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, वर्दी वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खां। और आज जब हम और मेरे साथ जो को होस्ट हैं वो हैं आसफ़ा खां। और जब हम आ रहे थे डेरा इस्माइल खां लाहौर से तो हमने लाहौर से डेरा इस्माइल खां आते हुए यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर जब हम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो मैं तमाम ख़वातीनों हज़रात से ये कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में डेरा इस्माइल खां ज़रूर विज़िट करें और गोमल यूनिवर्सिटी को ज़रूर विज़िट करें। इंतहाई ख़ूबसूरत और पर्पस बिल्टअप जो है वो कैंपस है गोमल यूनिवर्सिटी का। और जो है आज हम जो है वो इस नाश्ते से वाइस चांसलर साहब के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और नाश्ते की टेबल पे हम देख रहे हैं आसफ़ा के कितना खूबसूरत और हेल्दी फूड्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। फ्रेश फ्रूट है और जो है तमाम जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी ऑर्गेनिक। और ये हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया हमें। और उसके बाद बताएँ कि आपको जो है वो नाश्ते में क्या पसंद है और ये सारी जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये आपका टेस्ट है? सिंधु साहब बहुत शुक्रिया, आसफ़ा आपका शुक्रिया और आपकी टीम के बाकी मेंबर्स का शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। नाश्ते में तो मैं छोले सादा ये, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मेरा पसंदीदा खाना ही छोले
और इसी की वजह से फिर इतने ज़्यादा खाए कि फिर मुझे यूरिक एसिड हो गया था। ओके। तो सादा सा खाना है। इसके साथ एक और चीज़ जो है पीनट बटर, शायद इधर रिवाज नहीं है, तो यूएस में बहुत कम लोग इसे खाते हैं। Delicious thing, but इसको बहुत कम लोग खाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो ये US में था, तो उधर जो है इसका टेस्ट डेवलप हुआ था। बाकी नाश्ते की आपने बात की, तो इसमें आपने देखा कि अंडे जो है हमारे कुक ने बहुत ज़्यादा बनाए। मैं यही पूछ रही थी कि इतने सारे अंडे बनाने की क्या वजह है। सो वो मैंने पूछा। असल में इधर मैंने रखे हैं देसी मुर्गियाँ। वंडरफुल। और वो देसी मुर्गियाँ है, और वो देसी मुर्गियाँ जो है अंडे पे रुद्र से मिलती है। साथ एक और जो है, मैं स्वात से हूँ, और स्वात में आप लोगों को पता है कि आबादी ज़्यादा है, ज़मीन कम है। इधर आके मैंने एक और भी एक हॉबी डेवलप हुई फरागत के लिए कि मुख्तलिफ किस्म के गोट्स, राइट, उनके पैर को मैं लेके, मतलब उनके बच्चे, क्योंकि मेरा छोटा एक बच्चा है, उसको एनिमल्स बहुत पसंद है। तो कुत्तों मुत्तों का तो हमारे सोसाइटी में वैसे भी इतना रिवाज नहीं है। सही। और डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपकी मॉर्निंग का आगाज़ कैसे होता है? मतलब आप सुबह वॉक करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, देन फिर यूनिवर्सिटी का मामूल स्टार्ट होता है, कैसे सुबह का आगाज़ होता है? सर, हमारा बीइंग वाइस चांसलर बड़ा हेक्टिक रूटीन है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा क्या होगा, किस वक्त मैं उठूँगा और फिर क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि कभी हमें किधर जाना होता है, कभी किधर जाना होता है। दूसरी बात, हमारी मीटिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल हमारा सिलेक्शन बोर्ड के लिए तैयारियां है, तो फिर रात देर तक हम फिर ऑफिसेज में होते हैं। तो यूजुअली जो है इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमारी वैसे इस पोजीशन पर बंदों की होती नहीं है। एनीवे, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा जो है वो ऑफिस के मामलात, और फिर मतलब ये है कि देखें कि मैनेज करना सारी चीज़ों को, हायरिंग से लेकर फायरिंग तक, और फिर दरमियान में उनके फेज, उनका सारी चीज़ें, फिर उनके डिसिप्लिन के इश्यूज, फिर उनको आपने इनकरेज करने के लिए जो है। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। आज तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो हम पूछेंगे कि आपकी खूबसूरती और सेहत का क्या राज है? माशाल्लाह, खवातीन से करने वाला सवाल है, बट ऑफ कोर्स माशाल्लाह इतनी हैंडसम पर्सनालिटी के साथ। अच्छा, असल में हुआ ये कि ये जो आपने खूबसूरती की बात की, अंग्रेजी में एक हैंडसम है और एक ब्यूटीफुल। मतलब ब्यूटीफुल आमतौर पर पाकिस्तान में हम मर्दों के लिए भी यूज करते हैं, but this is not the right word, handsome, they use handsome, so I use the right word. So madam, ye aapki baat, I totally agree with you. Ek baat to hum kehte hain ki mard ka ye zaruri nahi hai uska look, lekin wo jo kehta hai, wo jo karta hai, uska jo character hai, that matters. फैमिली, बस मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग, मतलब ये है कि उनको जीन्स में मतलब ये है कि एक तरह का रंग मिला होता है, कुछ लोग को जीन्स में दूसरी तरह से, और हमारी सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सबकी लुक जो है तकरीबन आगे पीछे मेरी जैसी है। अच्छा, तो ये इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ये बस अल्लाह की तरफ से है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात फैमिली की हो रही है, तो मैं तो ख़वातीन की तरफ से अगर मैं कुछ थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे आपने बताया कि इतना आपका हैक्टिक स्केड्यूल होता है, एक तो उस पर मैं आई वुड लाइक टू नो कि एक तो आप इन्हें जो जानवर पाले हैं, मुर्गियाँ बकरियाँ, इसके लिए आप कहाँ से टाइम निकालते हैं, और दूसरा जो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इतनी मसरूफ़ लाइफ में फैमिली को कितना टाइम देते हैं आप? देखिए कि टाइम निकालना होता है, और मैं मतलब ये है कि कोशिश मेरी ये होती है कि मुझे टाइम मिले तो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ,
फिर जब मैं घर आ जाता हूँ तो बच्चों का भी मुझे पता है कि बच्चों को, और डॉक्टर साहब बच्चों में कौन कौन है और फैमिली में मतलब, और सबसे प्यार जो है वो नॉर्मली तौर पर होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फेवरेट बेबीज होते हैं, तो इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। ये बच्चों के बारे में तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे, उससे कभी कोई पूछते तो वो ये कहते कि मुझे वो बच्चा अच्छा लगता है जिसको कोई तकलीफ़ हो, बाकी सब मेरे लिए बराबर है। अच्छा, ये मेरे वालिद साहब का सेंग है, वो वही चीज़ में भी उस तरह की मेरी फीलिंग है। बाकी मेरे चार लड़के हैं और दो लड़कियाँ, माशाल्लाह। बड़ा लड़का मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है कॉम्सेट से, और छोटा अभी 4 साल का है। अच्छा, काफ़ी मतलब जो है वो गैप है फैमिली में। तो बस नहीं, बच्चे भी तो माशाल्लाह 4 और 2 6, तो उसमें टाइम लग जाता है, टाइम भी तो लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ की यूनिकनेस के बारे में बता रहे थे, तो ये इतने सारे, जैसे भी सिंधु साहब ने कहा कि इतने सारे जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे और कल्चर भी इतने सारे इकट्ठे हो गए, तो आपको मतलब कैसा, एज ए एजुकेशनिस्ट भी और इतना आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे उसकी वजह से कोई मसाइल भी होते हैं या ये कोई अच्छी खुशाइन बात है? असवा ऐसा है कि वेस्ट में, ख़ासतौर पर US में, वो एक बात करते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है जी। जब हम ईस्ट में आ जाते हैं तो ये हमारा वीकनेस बन जाता है। और यही गोमन यूनिवर्सिटी में रहा है। मुझसे पहले इन लोगों के झगड़े होते रहे। सराइकी, ये पहली सराइकी बेल्ट की यूनिवर्सिटी है गोमन यूनिवर्सिटी। सराइकी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, फिर पंजाबी, फिर पश्तून, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। शायद पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इधर हैं। तो उसमें हुआ ये कि जब मैं आया, वही जो मतलब ये है कि ये लोग आपस में झगड़ते थे। अच्छा, ये पंजाबी कौंसल है तो ये, बलोच कौंसल है तो ये, मतलब ये है कि सराइकी कौंसल है, फिर पश्तूनों में ये वज़ीर है तो इनका अपना ग्रुप है, तो फिर मसूद का है, तो फिर बेटनियों का है, तो फिर मरवतों का है, एंड दे वर फाइटिंग, एंडलेस फाइट। मैं आया तो मैंने एक कंसेप्ट उनको दिया कि व्हाई नॉट वी सेलिब्रेट आवर दिस डिफरेंसेस, और उसी से फिर मतलब ये है कि सेलिब्रेशन के साथ देखे कि एक बात मैं बता दूं और एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, एक्सेप्ट करें, नहीं एक्सेप्ट के साथ मैं एक सच बात यहाँ बताता हूँ जी, जी। कानून होना, लाइन को ड्रा करना, मैंने कहा भाई यहाँ तक आप जा सकते हैं, इससे आगे जो भी किया वो ठीक नहीं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में जहाँ पर हम मतलब ये है कि लोगों को स्पेस दे देते हैं, सारी सोसाइटी की तबाही और सत्यानाशी इसी में। तो जो बच्चे हमारे, ख़ासतौर पर आप लोगों को पता है कि बाहर के लोग बच्चों को, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी में, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैंने कहा यार देखो, ये मेरे बच्चे बाहर के लोग अगर यूज़ कर सकते हैं तो ये बच्चे खुद क्यों एक्टिविटीज़ ना करें। सही। तो बाहर के लोग क्या करते हैं, बमुश्किल 10,000 रुपये बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। मैंने कहा बाहर का बच्चा 10,000 रुपये देते तो मैं 20,000 रुपये दे देता, यूनिवर्सिटी के लिए क्या मसला। इतनी एक्टिविटीज़ इस यूनिवर्सिटी में इस साल हमने किए हैं, शायद ये जो हमारा सूबा है KPK, सारी यूनिवर्सिटियों की सारी एक्टिविटीज़ अगर आप मिला लेना, उससे इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। और इसी तरह से हमने ये जो हमारी डाइवर्सिटी थी उसको हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, तो सेलिब्रेशन के साथ अब हमारा स्ट्रेंथ बन गई है। ख़वातीनो हज़रात जो है वो इसी तरह से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर साहब से जारी रहेगा।
और अभी हम मज़े मज़े का नाश्ता करते हैं आसफा, और हम देख रहे हैं कि नाश्ते में बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फ्रेश फ्रूट है, हेल्दी चीज़ें हैं, और डॉक्टर साहब का जो है वो बहुत ही खाने के हवाले से भी बहुत बाज़ौक है। तो इसका सिलसिला जो है वो अभी हम नाश्ते के साथ ऑनवर्ड कंटिन्यू रखेंगे। जी, हम देख रहे हैं कि इंतहाई खूबसूरत जो है वो पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स और यहाँ की जो सकाफत है उसकी तस्वीर हमें नज़र आ रही है। तो उस हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, इस तस्वीर के हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा। ये मेरे वालिद साहब ये आलिम दीन थे माशाल्लाह, और मट्ठा ये अपर स्वात का जो कैपिटल है इसके ये पहले स्कूल टीचर थे। इसके अलावा इन्होंने उस इलाके में लोगों में शऊर उजागर करने के लिए सारी उम्र जदोजहद की, तो यही इंस्पायरेशन हमारे लिए। और घर में एक ऐसा माहौल मिला कि जिसमें तो इसका तो मैं अगर ये बता दूं कि आप स्वात का सोचें, स्वात में अपर स्वात का सोचें, पहाड़ों का सोचें, और हम तीन भाई एक ही घर से एक ही वालिद के बेटे वाइस चांसलर बने। अच्छा, ये भी हमारे जितने भी नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए इंतहाई दिलचस्प बात होगी, और शायद ही किसी भी सूबे में किसी भी यूनिवर्सिटी में ये जो है ऐसा हो कि एक ही फैमिली में से तीन लोग जो है वो वाइस चांसलर हों। नॉर्मली तौर पर डॉक्टर्स तो होते हैं, मगर तीन वाइस चांसलर होना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। बस ये अल्लाह ताला का करम था जी। और उसके बाद हम ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक किस्म की जो है वो हमें इसमें एक तहजीब नज़र आती है, और एक सकाफत का रंग नज़र आता है, और एक तारीख नज़र आती है, तो इसके बारे में भी ज़रा। सर ये मैं हूँ स्वात से, राइट, ऑलरेडी जो मैंने बता दिया, और ये स्वात में यही स्वात का कल्चर इसको रिफ्लेक्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, और आप इसको देखें कि यही चीज़ें जिस तरह पुराने हमारे दरवाजे होते थे, अब उसी चीज़ को जो है फिर आप देखें कि नए शक्ल में आजकल मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इन अदर वर्ड्स रिवाइव हो रहा है कि कितना खूबसूरत। बड़ा अहम है कि जो है ना कि डॉक्टर साहब एक अम्बेसडर हैं अपनी सकाफत के, और उन्होंने कैरी किया डेरा इस्माइल खां में अपनी तहजीब को, और उसको यहाँ पे आके रोशनास जो है वो करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बहुत एक खुशाइन सी चीज़ है। तो अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये हमें कोई बहुत ही कोई हिस्टोरिकल पेंटिंग जो है वो नज़र आ रही है कि, और इसमें कोई बहुत ही कोई फ्रूटफुल सा मैसेज भी है, और डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो है ये जो पिक्चर है जी, आप लोगों ने डिक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यूनाइटेड स्टेट्स का उसका सुना होगा, तो ये उसी का पिक्चर है, सारे लोग बैठे हैं और ये जो है उसी पर वो डिस्कशन हो रही है। तो ये किसी खास इवेंट या किसी खास मीटिंग का कोई ये जो है ये तो वो अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस की, अच्छा, मतलब इधर से सारी कहानी बनी थी यूएस की। लेकिन मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि अमेरिका बहुत सख्त मुल्क है, बहुत मतलब ये है हार्श वेदर है। आप लोग देखें कि उन लोगों ने खुद अपने मुल्क को बनाया, हमने नहीं बनाया है। इतने मुश्किल और हर्ष वेदर में वो दुनिया का सुपर पावर बना, और हम इतने रिसोर्सेस के होते हुए इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी है, और इसके बावजूद हमारे, जब मैं देखता हूँ लोगों को, हमारे रवैयों को मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होती है। तो जिस तरह देखे कि ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर आपने डेवलप होना हो तो उसके लिए आपने
ईमानदारी के साथ, और उसके साथ साथ कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी जो है ये नहायत अहमियत की अमल होती है। और उसके बाद हम आगे मूव अप करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो है न कि गोमल यूनिवर्सिटी जब आप आए उस वक्त जो है वो आपके लिए क्या बड़े चैलेंजेस थे इस यूनिवर्सिटी में? सिंधु साहब, मैं जब आया, एक तो मैं ऐसे हालात में आया था कि यूनिवर्सिटी जो थी ये उस वक्त मतलब चल नहीं रही थी, राइट, मतलब कोलैप्स, नियर टू कोलैप्स, हालात बड़े ख़राब थे, रोज़ के जलसे जुलूस। तो इन हालात में एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है रात को, ओके, और सुबह मुझे फिर ऑर्डर मिल जाता है कि आप पहुँचे, राइट। इधर आया तो गेट पर स्ट्राइक, पता नहीं महीनों से एक स्ट्राइक लगी हुई थी लड़कों की, ओके, और एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे मसाइल थे, और तो बस इधर से मैंने शुरू किया। सही। अब माशी मसाइल भी थे यूनिवर्सिटी के, फिर इसके साथ साथ अगर ये हालात भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, तो मैंने बस फैसला किया कि मैंने एक इदारे को मैंने ठीक करना है। सही। जैसी भी हो मैंने इस इदारे को बनाना है और इसको ठीक करना है। और कहाँ से आपने फिर आगाज किया है इसको ठीक करने का? इसके मतलब ये है, इसके लिए नेचुरली जो है मेरे लिए शुरुआत ये था कि पहले मैं चीज़ों को चेक करता कि क्या है मसाइल, क्या है, पहले मैंने मसाइल को अंडरस्टैंड किया। सही। और वंस मैंने मसाइल को अंडरस्टैंड किया तो उसके बाद फिर मैंने एक एक जो था फिर स्टेप लेना शुरू किया। ऐसे मसाइल भी थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे मसाइल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 2008 से 16 तक जितने लोगों ने बीए बीएससी की डिग्री लिए थे, उन सब के डिग्रियों को गोमल यूनिवर्सिटी ने फैक्ट डिक्लेयर किया था। ओके। और उसकी वजह ये थी कि जो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कंट्रोलर ऑफिस में, कंट्रोलर ऑफिस में जो रिकॉर्ड था तो उस रिकॉर्ड पर कहीं पर किसी का कोई भी दस्तखत नहीं था। ओके। तो जब मैं आया, यार क्या करूं, मतलब ये बड़े अरसे से एक मसला बना हुआ था फैक्ट डिग्रीज का, राइट। तो उसमें मैंने ये किया कि मैंने एक कमेटी बनाई और कंट्रोलर साहब हमारे यहाँ पर और शाहिद साहब होते हैं मलाकंड यूनिवर्सिटी को, उनको बुलाया। तो उसका सलूशन उन्होंने ये निकाला कि देखिए, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो दस्तखत शुदा है, वो तस्दीक शुदा है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट, तो जितने भी गजट्स थे उनको हमने उठाया और गजट्स में जिस बंदे का जो भी रिजल्ट था, राइट, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया, राइट। और ये बड़े सालों से जो एक मसला आ रहा था गोमल यूनिवर्सिटी के डिग्रियों का, जिसमें तकरीबन आप खुद सोचे 8 से 16 तक बीए बीएससी की कितनी डिग्रियां होगी, वो सारी जो फेक थी हमने फिर उसको कर दिया। कोई फेक वेक थी नहीं, गलती यूनिवर्सिटी की थी। सही। नुकसान बच्चों को जा रहा था, कोई भी बंदा तैयार नहीं था कि वो आके यूनिवर्सिटी में वेरीफाई करता। ये ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मनाज़र और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनके जो चेहरे हैं उनके ऊपर हम खुशी भी देख रहे हैं और उनकी आँखों में एक चमक भी देख रहे हैं और उनमें आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो भी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो हम जितने भी हमें स्टूडेंट्स नज़र आए हैं उनके अंदर जो एक कर्ज है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइए कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की कुल स्ट्रेंथ कितनी है, आपके पास कितनी फैकल्टीज़ हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं? इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट का तदाद 15,000 है। और इस वक्त हमारे पास देखे कि एक तो ये मेन कैंपस है, दूसरा हमारे पास कायदे आज़म कैंपस है जो सिटी में है, फिर इसके साथ हमारे पास टांक में भी हमारा कैंपस है गोमल यूनिवर्सिटी का, इसके अलावा हमारे साथ दो कॉलेजेस हैं,
ओके व्हेन सम कॉलेज एक पार बॉयज है और दूसरा हमारे साथ फॉर गर्ल्स है लानी साहब गुज़श्ता ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम सर गुज़श्ता ईद मुबारक वालेकुम मैडम कैसी है ठीक है खैरियत से मैडम आप ठीक खैरियत से हाँ ये आपके सारे स्टूडेंट्स धूप में धूप से डरते हैं ये देखो सारे सीनियर लोग धूप में और वो जो है ये बॉटनी के लोग हैं अगर बॉटनी वालों की ये हालत हो तो बाकी लोगों से अच्छा सलाम वालेकुम क्या हाल है बेटे ठीक है खैरियत से हैं क्या हो रहा है मैं तो सलाम वालेकुम क्या हाल है बेटे ठीक है खैरियत से सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम मैं तो पहली मर्तबा कोई पहला वो क्या कहते हैं डोनेशन प्लांट्स का कल मैं गया था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के डीन ने हबीब बोटेनिकल गार्डन के लिए पहला डोनेशन दिया तो कल मैं उधर था वो मैंने पिक किया है और वो प्लांट्स जो है मैं आया भी इसलिए हूँ मैडम कि आप लोगों को मैं दे दूँ जी ख़वातीनों हज़रात इस वक्त जो है वो हम वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब के साथ मौजूद हैं और इसके साथ जो है वो फैकल्टी है और स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि उनके चेहरों पर जो है वो एक अजब सी खुशी है और उनके अंदर एक कर्ज भी है तो डॉक्टर साहब आप अपनी ज़रा फैकल्टी के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में और आज की जो एक्टिविटी है इस बारे में भी बताएं और हमारे साथ जो है वो हमारे प्रोग्राम की को होस्ट हैं आसफा खान जो है अच्छा आज ये एक्टिविटी जो है ये हबीब बोटेनिकल गार्डन हमने बॉटनी का डिपार्टमेंट शुरू किया ओके और बॉटनी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन जो है ये एक रिक्वायरमेंट भी है और बोटेनिकल गार्डन को जिलानी साहब फिर बताएंगे कि इसको हम उस तरह किस तरह से बनाना चाह रहे हैं जिलानी साहब जो है ये बोटेनिकल गार्डन जो है ना ये बेसिकली जो है एक जब आप बॉटनी को स्टार्ट करेंगे तो ये उसकी बेसिक नीड है कि आपके पास जो है ना ये बोटेनिकल गार्डन ये होना ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ प्लांट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं मेडिसिनल प्लांट हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें तो ये हम स्टेट ऑफ द आर्ट्स एक किस्म का जो है ना एक बोटेनिकल गार्डन बना रहे हैं तकरीबन 100 कनाल के अंदर है इसमें डिफरेंट जो है पोर्शन बनाए गए हैं जो हमने डिप्यूट किए हैं मुख्तलिफ हमारे पास डॉक्टर फरत हैं इसी तरह डॉक्टर ज़ैनुल्लाह अबिदीन है तो ये तकरीबन 4 पोर्शन हैं डॉक्टर यासिर हैं तो इनको हमने दिए हुए हैं इन्होंने अपने उसी किसी के पास कैक्टस का प्रोग्राम है किसी के पास जो है ये मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं किसी के पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं तो ये मेन हमारा कंसेप्ट ये है कि बच्चे जो है मुख्तलिफ प्लांट्स को आइडेंटिफाई ओके ख़वातीन हज़रात एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी जो है ये यूनिवर्सिटी और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वाइस चांसलर और उनकी टीम का कि जो है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि कंक्रीट सिटीज़ बन रहे हैं उस दौरान में आपका जो है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में उसको बेहतर करने में और सर सब्ज़ो शदाब और ख़ूबसूरत पाकिस्तान बनाने के लिए ये जो है ये प्रोजेक्ट बेहद जो है वो ज़रूरी है जी आशा क्या कहेंगी आप जी सिंधु साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत बेहतर है इतनी ग्रीनरी बल्कि मुझे जो ये खुशी हो रही है डॉक्टर साहब ये देख के कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वो बहुत एक छोटी सी स्पेस पे शुरू हो जाते हैं तो यहाँ इतने देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यही सारी ओपननेस जो है ना वो स्टूडेंट्स के रवैयों में और उनकी सोच में भी आती है और बल्कि हमें तो इन स्टूडेंट्स को देखकर भी एक ऑक्सीजन मिल रही है जो है ना कि ये माशाल्लाह जितने ज़्यादा टैलेंटेड और ये इनके चेहरों पर जो है वो नज़र आ रहा है कि ये मुस्तकबल के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे सर अभी आपके इस बॉटनी डिपार्टमेंट में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे इस वक्त हमारे पास अच्छा सर बॉटनी में 200 से ज़्यादा है
अच्छा, ये जो अभी हम ये बना रहे हैं, ये जो बोटेनिकल गार्डन है, इसका कंसेप्ट ये है कि ये पार्क का पार्क हो और गार्डन का गार्डन हो और इसमें हर्बेरियम भी हो और इसमें हम प्लांट्स को प्रिजर्व भी कर सके। सही। तो मतलब ये किस तरह के, एक तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि जर्नल के बल्कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो बताए कि किस तरह के जो पौधे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इसके लिए, और दूसरा ये कि जो है वो अर्बन फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है दुनिया भर के अंदर, के अगर उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी का कोई प्लान है कि अर्बन फॉरेस्ट को डिवेलप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लिए जाए। इसमें इस तरह है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है ना वो सिलेक्टिव किस्म के वो भी हम लगा रहे हैं जो हमारी इस सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो जिनकी ग्रोथ होती है। इसी तरह फॉरेस्ट्री वो भी लगाए जाएंगे जो हमारे इंडिजनस हैं या वो इस इलाके के लिए ये सूटेबल हैं, क्योंकि हम अपनी इन्वायरमेंट को देख कर जो है ना वो उन पौधों को जो है हम सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो एरोमेटिक प्लांट्स होंगे या मेडिसिनल प्लांट होंगे या ऑर्नामेंटल होंगे या वो श्रब होंगे या वो ट्रीज होंगे। राइट, थैंक यू राइट सर। और मूव अप जनाब। हाँ, तो इसमें ये कुछ प्लांट्स हमने कलेक्ट किए हैं कायद अजम यूनिवर्सिटी से। ओके। कायद अजम यूनिवर्सिटी की डीन साहिबा ने, कायद अजम यूनिवर्सिटी ने, उसने हमें प्लांट्स डोनेट किए हैं। राइट। ये जो गार्डन है तो उन प्लांट्स को कल मैंने कलेक्ट किया है, तो आज मैं आया हूँ कि वो प्लांट्स इन बच्चों को मैं दे दूँ, क्योंकि बच्चों का जो मैंने जज्बा देखा है, जितने शौक के साथ ये इन्वॉल्व रहे हैं और जितने शौक से ये इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बल्कि ये हम इन स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि जो पौधा आप इस यूनिवर्सिटी में लगाएं तो 4 साल आपकी एजुकेशन है मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद भी वो पौधा यहाँ पर आपकी निशानी रहेगा, वो बरकरार रहेगा, और जब आप वापस आएंगे कल को 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो पूरा एक घना जो है वो दरख्त बन चुका होगा और वो बहुत सारे लोगों को छांव देगा। वैसे भी ये एक सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप भी है, और आपके जाने के बाद जो आप दूसरे स्टूडेंट्स आने वाले उनके लिए सबके लिए ये गिफ्ट होगा आपकी तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। ये इसका देखिए यहाँ पर ये इसका नाम आ जाएगा और टैग्स, और ये जो गार्डन है इसको रखा गया है डॉक्टर हबीब के नाम। सही। हबीब जो है ये इस सूबे के टॉप के बॉटनिस्ट थे। ओके। इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। गुड। और इसके साथ साथ वो जो है हज़ारा यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे हैं। सही, सही। तो उनके कंट्रीब्यूशन जो बॉटनी में है उनकी वजह से इसी का नाम उनके नाम पर रखा। ये तो इसका टोटल एरिया कितना है जिसके अंदर जो है वो आप लोगों ने ये प्लान किया है कि ये गार्डन आप डेवलप करेंगे? ये टोटल जो है 100 कनाल तो अभी ये है, इसको एक्सटेंड करेंगे इसको 400 कनाल तक इस इनिशियली हम जो है लेके जाएंगे। वंडरफुल। तो ये डॉक्टर साहब ये आप लोगों ने कुछ डिजाइन किया है कि इसी खूबसूरत जो जब ये गार्डन डेवलप होगा तो इसी के अंदर जो है वो कैफेटेरियाज हों, लोग जो है वो सर्दियों के अंदर गर्मियों के अंदर मशरूबात पिएं, कॉफ़ी पिएं, और उनकी बड़ी एक जो है वो रोमांटिक सी स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो एक गार्डन जो है वो। जी देखिए इसमें बुनियादी जो हमारा थीम है वो ट्रैक्स है, आप देखें कि ये सारे ट्रैक्स बने हुए हैं, ये जो गोल दायरा है गोल दायरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगेंगे, दरमियान में लॉन बनेगा। सही। तो ये देखे सारे ट्रैक्स बने हुए हैं। ओके। तो होस्ट रेस्टोरेंट्स और होटल से तो हम बाहर तंग है। सही। अंदर नहीं। सही। मतलब ये है इस तरह का हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज, वॉक, एक्सरसाइज और पूल हो और दरख्त हो और खूबसूरती हो और नेचर हो, मतलब इधर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी कमर्शियल चीज़ें और जितना टेम्परेचर है, मेरे ख्याल में स्विमिंग पूल भी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा और इसके अंदर इसकी बल्कि खूबसूरती की भी वजह बनेगा। नहीं, स्विमिंग पूल तो यूनिवर्सिटी में है, एक और साइड पर है जो स्पोर्ट्स का एरिया है। ओके। तो क्योंकि गोमल यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है वो भी मेरे ख्याल में यूनिक है, इतनी फैसिलिटीज शायद
इतने ग्राउंड शायद किसी और यूनिवर्सिटी के पास हो, लेकिन शायद कि लेक्स वगैरह डेवलप कर लें। लेक्स ऑलरेडी इसमें है। अच्छा, लेक ऑलरेडी आर्टिफिशियल लेक इसमें हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें पूल होंगे। वो कौन से वाटर प्लांट्स जो है ना, लोटस जो है, खास तौर पर लोटस पर ज्यादा फोकस होगा, कमल के फूल होंगे। और फूल कहते हैं ना कि मोहब्बत की और खूबसूरती की निशानी है, तो ये जो है वो आप इस खित्ते को, इस यूनिवर्सिटी को मोहब्बत भी दे रहे हैं और खुशी भी दे रहे हैं। ऐसा ही चले जी, चले ठीक। जी डॉक्टर साहब, इस इनॉग्रेशन के हवाले से और इस डिपार्टमेंट के हवाले से बताइएगा कि आज यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये कितना खुश आइन दिन है। ये जो बिल्डिंग है, ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का बिल्डिंग है। ओके। और ये इस वक्त मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है। और इसका इंटीरियर हम देख रहे थे कि इंटीरियर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और इसका देखे कि इसको शुरू किया था प्रोफेसर सरवर साहब ने, और बस आखिरी टचेस फिर मेरे वक्त में फिर इसके हो गए, और आज मौका मिला तो मेरे वक्त में फिर इसको कम्प्लीट किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, वर्क्स वालों ने बड़ा किरदार, बिल्डिंग बना भी बड़ा प्यारा है, मटेरियल भी अच्छा लगा है, इन लोगों ने खूब मेहनत की है, और इसमें इसकी कैपेसिटी भी ठीक ठाक है। इस वक्त मेरे ख्याल में इसमें कोई तकरीबन कम से कम 1500 स्टूडेंट्स हैं इस बिल्डिंग में। आप लोग इसको इससे अंदाज़ा करें, बड़े बड़े इसमें जो है लेक्चर थिएटर्स हैं, और बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं, और बड़े बड़े लैब्स हैं। आज जो मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग काउंसिल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देखकर सारी चीज़ों को फिर किया गया है। राइट। तो चले शुक्र है। ये कितनी कैपेसिटी है, यानी कि इसमें कितने स्टूडेंट्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया? इसकी देखे कि ये बुनियादी तौर पर बनाया गया है 4 डिपार्टमेंट्स के लिए। ओके। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि 4 डिपार्टमेंट्स के लिए है, तो यहाँ पर इसमें हम बहुत आसानी के साथ 4 डिपार्टमेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, और 1500 स्टूडेंट्स, 1500 से लेकर 2000 स्टूडेंट्स तक, तो मतलब है बेहतरीन बिल्डिंग है हर लिहाज से। और ख़वातीन और हज़रात, ये एक ऐसा शोबा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसका स्कोप जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स डिग्री हासिल करके मूव करेंगे तो उनके पास हुनर होगा, उनके पास स्किल होगी, और वो अपनी उस स्किल की मदद से जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनल जो है वो एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है वो हम गोमल यूनिवर्सिटी में जो है लैब में मौजूद हैं, और ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की लैब है, और यहाँ से हम पूछते हैं कि जो है ना कि इस लैब में कौन कौन सी ऐसी लेटेस्ट जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, फैसिलिटीज़ हैं, और इसका किस हद तक स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कोप है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आमिर साहब हैं, वो जितनी भी हमारी लैब्स हैं उनको डील करते हैं, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर आमिर साहब की बता दें। सर इसमें हमारी बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लैब है, और इसमें हमारे पास जो इक्विपमेंट पड़ा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम के आपके घर का सर्किट जो है वो कैसे बनाया जाता है वहाँ से लेके, और एक इंडस्ट्री का सर्किट कैसे बनाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं जिसमें जनरेटर्स होते हैं, मोटर्स होती हैं, तो सारे के बारे में हम उनको सिखाते हैं। और अभी करंटली हमने न्यू इक्विपमेंट लिया जो आपकी इस टाइम राइट साइड पर है, ये हमारे पास पावर जनरेशन से ले कर पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा हम बच्चों को इसमें सिखाते हैं। तो बेसिकली जो इस टाइम हमारा वापडा काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो काम कर रही हैं, वो सारी हम बच्चों को यहाँ पे इक्विपमेंट के ऊपर उनको प्रैक्टिस कराते हैं, उसको डिस्क्राइब कराते हैं कि ये भी बताइएगा कि जो है पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया भर से इम्पोर्ट करता है,
तो इस डिपार्टमेंट के बनने से यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो उनकी एजुकेशन के बाद किस हद तक जो है मदद मिलेगी कि वो टेक्नोलॉजी और वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में डेवलप हो? सर, जो हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं तो हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है तो हमारा ये प्रेफरेंस होती है कि जो इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है उसी को एडवांस किया जाए, यानी उसी पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करा के उस पे कोई ऐसी चेंजेस लाई जाएँ जिसमें एडवांसमेंट जो कि दुनिया में हो रही है वो यहीं पे वो बैठ के कर सके। हमारे पास अलग प्रोजेक्ट लैब भी है जहाँ पे उनको एक्सपेरिमेंटेशन करने की पूरी एक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो हम बेसिकली बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम यहाँ पे ला के और उसको अपनी जो हमारी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक उसको मैनिपुलेट करके उससे फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह होपफुली हमारे फ्यूचर में जैसे और स्टूडेंट्स हमारे पावर के भी जैसे हम स्टार्ट किया हुआ है तो पावर जैसे स्टार्ट होती है तो हमारे पास और स्टूडेंट्स आते हैं तो हम इसको और एडवांसमेंट की तरफ ले जाएंगे। चले भाई दुआ पढ़ लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस है और एंट्रेंस के साथ ही ग्रीन बेल्ट का स्टार्ट होता है, ये इंतहाई खूबसूरत कॉन्सेप्ट है क्योंकि कोई भी जब कोई विजिटर, कोई मेहमान, जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे तो जो पहला इम्प्रेशन है वही सरसब्जो शादाब और जो है वो पाकिस्तान और सरसब्जो शादाब जो ग्रीन बेल्ट है उसका जो स्टार्ट है यहाँ से। वो तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है इस ग्रीन बेल्ट का और ये कितना हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसका देखें कि ये ग्रीन बेल्ट ये डबल रोड का हिस्सा है। राइट। गोमल यूनिवर्सिटी में जब मैं आया इसका एंट्रेंस इसका लुक ऐसा नहीं था जिस तरह इम्प्रेसिव लुक नहीं था। सही। और फेस वैल्यू जो है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं आया, मैं सोचता रहा कि इसकी मैं फेस वैल्यू कैसे बढ़ा सकता। राइट। तो फिर ये अभी सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ हमने एक डबल रोड बनाया। ओके। अब ये दो डबल रोड बन गए। सही। डबल रोड के दरमियान ये 28 फुट का ग्रीन बेल्ट है। सही। और 28 फुट के ग्रीन बेल्ट में हमने ऐसा किया कि बिस्मार्किया फॉर्म लगाएं और दरमियान में उसके बोगनवेलिया के फूल है। तो अब कोई भी बंदा अगर इस यूनिवर्सिटी में एंटर होगा तो ये 1.5 किलोमीटर के रन का ये एक खूबसूरत, क्योंकि लेफ्ट साइड पर भी आपको ग्रीन बेल्ट, बिस्मार्किया और आसपास ही पूछ लेते हैं। आसपास जब आप एंटर हुए यूनिवर्सिटी में और ग्रीन बेल्ट ने आपका इस्तकबाल किया तो कैसा लगा आपको? जो मैं तो सिद्धू साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे रास्ते आपको पता है कि मेरी जो एक्साइटमेंट थी एक तो डॉक्टर साहब से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा थी और मुझे ये तो कुछ पता था कि आप बहुत इनोवेटिव हैं और बहुत नए नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुई तो वो मुझे 100% उसकी एक स्टैम्प मिल गई जैसे ही मैंने ख़ासतौर पर इस ग्रीन बेल्ट को देखा। मुझे ये नहीं पता था कि आज आप इसका इनॉग्रेशन भी करने वाले, तो ये एक सरप्राइज़ था। बट ऑलवेज़ वही बात है कि जैसे सिद्धू साहब कह रहे थे कि ग्रीन पाकिस्तान के अलावा भी ये जो सब्ज़ा है ये वैसे ही नेचर से जो कि हम बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे अंदर सब कुछ जो है वो ज़ाहिर है जो एक ह्यूमन नेचर है और जो ग्रीन नेचर है वो बहुत इंस्पायरिंग होता है। तो और वैसे भी फूल, दरख्त, पौधे ये खूबसूरत ही नहीं लगते बल्कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत एक पॉजिटिव और अच्छा इम्पेक्ट भी छोड़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और बात भी आप लोगों को बता दूँ। आप लोग देखें कि ये जो रोड है इस रोड को हमने नाम भी दिया है, नवाब अल्लाह नवाज खान रोड। ओके। नवाब अल्लाह नवाज खान इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। तो चूंकि ये यूनिवर्सिटी की फेस है और ख़ूबसूरत फेस है तो हमने फिर यही सोचा कि इसको उस बंदे के नाम मंसूब करें जिसने इस सफ़र का आगाज़ किया था। एक अब एक और बंदे, उनकी ज़मीन की डोनेशन भी उनकी थी इनिशियली। उसके बाद भी मैं बता दूं कि मतलब ये है कि नवाब अल्लाह नवाज़ खान साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर उनके बाद यहाँ के जो दूसरे वाइस चांसलर हैं वो जो है उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि उनके नाम के साथ भी हम कुछ चीज़ों को मंसूब करें। सही।
अली खान साहब। तो एकेडमिक्स में इस सूबे में मतलब ये है कि एक भाई उनका वली खान साहब थे सियासत में, दूसरे भाई उनके थे गनी खान साहब शायरी में, और तीसरे भाई ये जो थे ये अली खान साहब ये थे एकेडमिक्स में। पेशावर के वाइस चांसलर रहे, गोमल के वाइस चांसलर रहे, ये जो है फजल हक कॉलेज को बनाया, मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मतलब हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं है। सियासत करने के लिए तो सियासतदान है ना सर, आप तो एजुकेशनिस्ट हैं। एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है एक्नॉलेज करने का उनकी कंट्रीब्यूशन को और वो उनको तारीख में जिंदा रखने का। तो ये और सर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक रिले दौड़ होती है ना, रिले रेस जिसको हम कहते हैं, कि वो एक मशाल लेके दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा तीसरे तक, और इस तरह वो आखिर तक चले जाते हैं और वो रेस जीती जाती है। तो ये बिल्कुल आप ये जो काम कर रहे हैं ये एक ऐसी ही मशाल है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है और इसी को हम आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोग ये देख ले इसका जो लुक है, अभी तो शायद इसका लुक उस तरह से नहीं है, लेकिन आप ख़ुद सोचें कि ये 1.5 किलोमीटर का रन है और ये जब ये सारा ग्रीन बेल्ट भरेगा इसका लेफ्ट साइड भी टोटली ग्रीन होगा, और ये जो बिस्मार्किया फॉर्म है ये खूबसूरत तरीन दरख्त है, तो फिर आप सोचें कि कोई बंदा इधर एंटर होगा तो उसको कैसे फील होगा। और डॉक्टर साहब कौन से ऐसे पौधे हैं ये बेसिकली तौर पे तो बॉटनी डिपार्टमेंट बता सकते हैं जो बड़ी आसानी से यहाँ पे तैयार हो जाते हैं? ये जो है ये इलाका, ये तो मेरे ख्याल में जिलानी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बताएं कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि बड़ी आसानी से जो है वो यहाँ पे, यहाँ पर ये क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट हर किस्म के यहाँ पर होती हैं, जिस तरह फाइकस है, बिस्मार्क है, बोगनविलिया है, वाल पाम है, यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कामयाब है। खजूर, इसके अलावा खजूर जो है वो तो हमारा मतलब इंडिजिनस प्लांट है और पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन वैरायटी ठक्की जो है वो हमारी डी खान की है, हमारी पहचान है। मतलब देखिए डी खान का पहचान गोमल यूनिवर्सिटी है, सही है, लेकिन गोमन यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा पहचान डक्की के खजूर है। वो साइज के लिहाज से, क्वालिटी के हिसाब से वर्ल्ड में बेस्ट है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। इसके अलावा जो है ये जो बेल्ट आपको नजर आ रही है इसके अपोजिट साइड पर भी हम बेल्ट बना रहे हैं, आप ये देखेंगे इस साइड पर, इस दोनों साइडों पर जो होगी तो फिर इंशाल्लाह इसकी जो ब्यूटी है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में जो है वो सैर करवा रहे हैं मुख्तलफ डिपार्टमेंट्स की, और आपने देखा कि गोमल यूनिवर्सिटी में कितने जदीद डिपार्टमेंट्स हैं, लैब्स हैं, टेक्नोलॉजी है और स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं। और अभी हम बात करेंगे वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब से कि तंदरुस्तो तवाना जिस्म के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बड़ी अहमियत होती है, तो गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो है वो क्या हैं डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, और इस पर आपकी किस कदर जो है वो तवज्जो है? सर स्पोर्ट्स का आपके सामने है, आप लोग ये विज़िट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉकी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर ये आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने हमारे कुछ ग्राउंड्स बनाए, फिर हमारा जिम पाकिस्तान आर्मी ने हमें बना के दिया है बेहतरीन, पीसीबी ने इधर जो है क्रिकेट का बेहतरीन खूबसूरत जो है ग्राउंड बनाया है। इसके साथ साथ यहाँ पर पहली मर्तबा हमने पिछले दिनों मैराथन किया, ओके, तो देट वॉज समथिंग यूनिक, इससे पहले आप लोगों ने कभी यूनिवर्सिटी में मैराथन का नहीं सुना। सही। तो ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के लिहाज से, ग्राउंड्स के लिहाज से शायद केपी की टॉप की यूनिवर्सिटी है, और ये भी मैं बता दूं कि जितनी भी स्पोर्ट्स हुए हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, जितनी भी स्पोर्ट्स हुए हैं केपी के सारे यूनिवर्सिटियों में सारे गेम गोमल ने जीते। वंडरफुल। अब आप खुद सोचें कि इस यूनिवर्सिटी का जीतना जो है, ग्राउंड्स है, फैसिलिटी है, फैसिलिटेशन है, सपोर्ट है, तो इसलिए लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम भी इनकरेज करते हैं। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स साइंसेस का, सही, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने स्पोर्ट्स साइंसेस पाकिस्तान में शुरू की। वंडरफुल।
PhD आपको जिधर भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स साइंसेज में मिलेंगे वो गोमल से, सही एमफिल गोमल से, सही जितने भी फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर्स एसोसिएट प्रोफेसर्स ये सारे गोमल के ग्रेजुएट्स हैं, सही। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो हमारी नेशनल लेवल पे जो टीम्स हैं उसके अंदर गोमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का किस हद तक पार्टिसिपेशन है और उन खेलों के अंदर थाईकांडो और कराटे में नेशनल लेवल पर इधर के स्टूडेंट्स ने विन किया है। और इसके साथ साथ मतलब ये है कि फिर वही बात कि जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं केपी की, सही सारी यूनिवर्सिटियों की हमारी कंपटीशन होती है। ओके सारे स्पोर्ट्स सब जितने भी है सबकी ट्रॉफी गोमल विन के आया है, सही करके आगे, सही। तो इससे अंदाजा जो व्यूअर्स अब हमें देख रहे हैं उनके लिए ये इंतहाई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प बात होगी कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और जो फिज़िकल साइंस डिपार्टमेंट है वो एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी डिग्री हासिल करके वो नेशनल लेवल पर जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर गेमों में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि अवार्ड्स ट्रॉफी जो है वो हासिल कर रहे हैं।